अच्छा, हमारा आज का जो टॉपिक है वो फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी है। इसमें उन्होंने सबसे पहले बताया है कि एंजाइम एक्टिविटी का मतलब क्या है। एंजाइम एक्टिविटी हम इसको कहते हैं कि कितना सब्सट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। कितना सब्सट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है 1 सेकेंड में, ठीक है। इसका मतलब है एंजाइम एक्टिविटी। यहाँ देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। द रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी मीन्स द क्वांटिटी ऑफ सब्सट्रेट ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम कह लें या 1 सेकेंड कह लें, एक ही बात है, ठीक है। एंजाइम एक्टिविटी का मतलब ये है। उसके बाद कुछ फैक्टर्स बताए हुए इन्होंने जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। टेम्परेचर, पीएच, एंजाइम कंसनट्रेशन और सब्सट्रेट कंसनट्रेशन, ये चार पाँच फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं अभी। इससे पहले इन्होंने, इनकी डिटेल से पहले, दो बातें और की हुई हैं कि एलेस्टेरिक इनहिबिशन और एलेस्टेरिक एक्टिवेशन क्या होती है। इसे मैं आपको समझाने के लिए एक एंजाइम बनाता हूँ। अगर ये एंजाइम है एक, ठीक है, इसकी ये एक्टिव साइड है, ये एक्टिव साइड है, ये एलेस्टेरिक साइड है। एंजाइम की जहाँ एक्टिव साइड होती है उसकी ऑपोजिट साइड एक और साइड होती है जिसको हम एलेस्टेरिक साइड कहते हैं। एलेस्टेरिक साइड, ठीक है। अगर इस साइड पे कोई इनहिबिटर लग जाए, जैसे ये कोई इनहिबिटर लग गया, ये इनहिबिटर ऐसे लगा तो एंजाइम की पूरी शेप को जो है वो ख़राब कर देगा और एक्टिव साइड जो है वो मे बी नैरो हो जाए, तो जो सब्सट्रेट कम्बाइंड होना है वो मुश्किल हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो रिएक्शन है वो इनहिबिट हो जाएगा एलेस्टेरिक इनहिबिटर की वजह से। इसी तरह अगर इसी साइड पे हमारे पास हम लगा दें एक्टिवेटर, ठीक है, एक्टिवेटर आके लग जाए तो वो पूरी रिएक्शन को एक्टिवेट कर देगा और जो एक्टिव साइड पे सब्सट्रेट लगना है और रिएक्शन होना है वो फास्ट कर देगा। तो ये दो प्रोसेस हैं, एलेस्टेरिक इनहिबिशन और एलेस्टेरिक एक्टिवेशन। अब बुक में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। व्हेन एन इनहिबिटर बाइंड्स ऑन एंजाइम अवे फ्रॉम द एक्टिव साइड द शेप ऑफ एंजाइम बिकम ऑल्टर्ड ड्यू टू एलेस्टेरिक इनहिबिशन, ठीक है। एलेस्टेरिक साइड है तो एलेस्टेरिक इनहिबिशन कह रहे हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस चेंज ऑल एक्टिव साइड्स ऑफ द एंजाइम आर चेंज, ठीक है। एक्टिव साइड जो चेंज हो जाती है स्लाइटली सो दैट दे बिकम अनएबल टू रिसीव सब्सट्रेट, ठीक है। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। अब एक्टिवेटर का बता रहे हैं, सम मॉलिक्यूल ऑल्सो वर्क एज एक्टिवेटर व्हेन बाइंड टू द एंजाइम अवे फ्रॉम द एक्टिव साइट, दीज मॉलिक्यूल आर कॉल्ड एलेस्टेरिक एक्टिवेटर्स, ठीक है। उसी साइट पे जब एक्टिवेटर बाइंड कर जाएगा तो एलेस्टेरिक एक्टिवेटर कहेंगे। दीज एलेस्टेरिक एक्टिवेटर्स एंड इंक्रीज इन द फंक्शन ऑफ एक्टिव साइट, ठीक है। एक्टिव साइट का फंक्शन बढ़ा देंगे, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अब ये दोनों जो है मॉलिक्यूल है, एलेस्टेरिक एक्टिवेटर हो या इनहिबिटर हो, ये कोवेलेंटली बाइंड नहीं करता, ये जो है वो हट सकता है। तो यही मेंशन है कि डू नॉट बाउंड कोवेलेंटली टू द एंजाइम सो द इंट्रैक्शन आर इरिवर्सिबल। अब ये जो एक्टिवेटर का जो हम रिवर्स कैसे कर सकते हैं इफेक्ट, या तो थर्मल फैक्टर हम हीट बढ़ा दें या तो कंसनट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट बढ़ा दें जो एक्टिव साइट पर आके बाइंड करना है, तो एलेस्टेरिक एक्टिवेटर जो है वो अपनी जगह से हट जाएगा। तो ये कुछ बातें, इनकी डिटेल अभी आगे आएगी, मगर यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया हुआ है। अब मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। जो फैक्टर्स हैं हमारे पास चार, पहला फैक्टर है हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम ऐसे समझते हैं कि टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ रिएक्शन के, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। और ऐसे एक लिमिटेशन है, लिमिटेशन ये है कि एक हद तक बढ़ता है ये, ठीक है, जब तक ऑप्टिमम टेम्परेचर रीच ना हो जाए। अब ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, मैं आपको ये पहले समझा देता हूँ अलग, फिर हम यहाँ आ जाएंगे। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की, या टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन की, एक ही बात है, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपस में। मगर ये ऑप्टिमम टेम्परेचर, तो ह्यूमन में ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, 37। ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसमें एंजाइम अपना काम मैक्सिमम करता है, ठीक है। मैक्सिमम एक्टिविटी एंजाइम जिस टेम्परेचर पे होती है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, और ह्यूमन में 37 होता है। अब मसला ये है कि 37 से ऊपर हम अगर जाएंगे, अगर मिसाल के तौर पर 60 तक चले गए तो एंजाइम जो है इनएक्टिव हो जाएगा, 60 डिग्री पर इनएक्टिव हो जाएगा। और 100 पे अगर चले गए तो एंजाइम डीनेचर हो जाएगा, एंजाइम डीनेचर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ये सवाल होना चाहिए कि डीनेचर क्यों होगा, ठीक है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। डीनेचर इसलिए होगा, अगर हम हीट बढ़ाते हैं तो मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे ये मॉलिक्यूल हैं अलग अलग चार मॉलिक्यूल हैं, इनकी मोशन बढ़ जाएगी, ठीक है, ये ज़्यादा मूव करने लग जाएंगे अगर हम हीट बढ़ाएंगे, ठीक है। वैसे ही हमारे एंजाइम में जो मॉलिक्यूल हैं वो बहुत आपस में बाइंड हैं, जैसे मैं मॉलिक्यूल बना रहा हूँ, ये आपस में इनके जो है वो बॉन्ड बने हुए हैं, तो हम अगर हीट बढ़ाएंगे तो ये मूव करेंगे, ठीक है, मूव करते करते इतनी ज़्यादा मूव करने लग जाएंगे कि आपस में इनके बॉन्ड जो है वो टूट जाएंगे, ठीक है, फिर ये सारे मॉलिक्यूल अलग अलग हो जाएंगे।
जब ये मॉलिक्यूल अलग अलग हो गया तो एंजाइम डीनेचर हो गया। अब आप बेशक टेम्परेचर कम भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो टूट चुका है। देखिए इसके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, ठीक है, आपस में, तो स्ट्रक्चर टूट टूट चुका है। तो ये रीज़न है डीनेचर होने का। अगर हम देखें अब जीरो सेल्सियस पे क्या होगा, जीरो सेल्सियस पे ये होगा कि एंजाइम जो है वो इनएक्टिव हो जाएंगे, ठीक है, इनएक्टिव होंगे, मगर ये डीनेचर नहीं होंगे। अगर हम जीरो सेल्सियस से ऊपर चले जाएँ, 37 तक जाना शुरू हो जाए, तो दोबारा इसकी एक्टिविटी बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है। 60 डिग्री पे भी इनएक्टिव है, ठीक है, और जीरो पे भी इनएक्टिव है, मगर इन दोनों टेम्परेचर का क्या है कि हम दोबारा अगर वापस ऑप्टिमम की तरफ आएँ, 37 की तरफ आएँ, तो दोबारा अपनी एक्टिविटी रीगेन कर लेंगे। मगर 100 पे इसका बिल्कुल बॉन्ड और बिल्कुल स्ट्रक्चर टूट चुका होता है, तो वो दोबारा एक्टिविटी अपनी जो है वो गेन नहीं कर पाते। यही कुछ बातें हैं टेम्परेचर में। अब हम देख लेते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है। अच्छा जी, बुक में ये लिखा हुआ है, दी केमिकल रिएक्शन डिपेंड ऑन मॉलिकुलर मोशन। मैंने आपको बताया मॉलिकुलर मोशन क्यों होती है, टेम्परेचर जब बढ़ता है तो मॉलिकुलर मोशन बढ़ती है, और जब मॉलिकुलर मोशन बढ़ती है वो 37 पर इतनी होती है कि वो मॉलिक्यूल मूव करके एंजाइम तक पहुंच जाए और एक अच्छा रिएक्शन हो जाए, और उससे ऊपर जो है वो फिर आपस में उनके बॉन्ड वीक होना शुरू हो जाते हैं, 100 पे आगे टूट जाते हैं। हायर द नंबर ऑफ सब्सट्रेट मॉलिक्यूल रीच टू द एंजाइम, ठीक है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंजाइम के पास पहुंचेंगे, क्योंकि उनकी मूवमेंट बढ़ गई है और रिएक्शन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। इट इज एस्टिमेटेड दैट एवरी 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, डबल द रेट ऑफ रिएक्शन। हर 10 डिग्री, मतलब अगर हम 10 डिग्री पे हैं, 10 डिग्री टेम्परेचर पे हैं, 10 से हम 20 तक आएंगे, तो जितना 10 पे रिएक्शन था 20 पे उतना डबल हो जाएगा उसका, ठीक है। इसको हम थम्स रूल कहते हैं कि हर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर को रिएक्शन जो है वो डबल हो जाता है। थम्स रूल है केमिस्ट्री में आपके आएगा। अच्छा, उसके बाद एंजाइम ऑल्सो सेंसिटिव टू टेम्परेचर, ठीक है। एंजाइम जब, क्योंकि प्रोटीन है तो टेम्परेचर से सेंसिटिव होते हैं। ऐसा टेम्परेचर जहाँ एंजाइम जो है वो अपना वर्क मैक्सिमम करें, ठीक है, उसको हम कह रहे हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। मेंशन है यहाँ पर, और बिलो दिस एंड अबव दिस टेम्परेचर एंजाइम एक्टिविटी कम हो जाती है, ठीक है। ह्यूमन एंजाइम 37 पे काम करते हैं मैक्सिमम, और 100 पे डीनेचर हो जाते हैं, ठीक है, और मिनिमम एक्टिविटी 0 पे, ठीक है, ये बातें सारी मेंशन है, मगर 0 पे डिस्ट्रॉय नहीं होते, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, कुछ हायर ऑर्गेनिज्म का उन्होंने बताया हुआ है कि उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो 27 to 42 हो सकता है, ठीक है, हायर ऑर्गेनिज्म में। उसके बाद कुछ बैक्टीरिया हैं जिनको वो जो हॉट टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं, थर्मोफिलिक हम कहते हैं, इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर 70 होता है, क्योंकि ये इनकी बॉडी ऐसे अडेप्ट हुई भी है कि हॉट टेम्परेचर में सर्वाइव कर सके, तो 70 जो है वो इनका टेम्परेचर ऑप्टिमम होता है कि ये सर्वाइव कर जाते हैं। ऐसे ही कुछ एंजाइम जो है वो वॉशिंग गार्डन में भी यूज हो रहे होते हैं, ठीक है, ये बात मेंशन है। अच्छा, अब हम ग्राफ से देख लेते हैं। ग्राफ में भी ऐसी कुछ चीज़ मेंशन है। देखें, जब टेम्परेचर बढ़ रहा है, 0 से ऊपर आ रहा है 37 की तरफ, तो एक्टिविटी बढ़ रही है, और मैक्सिमम पीक है एक्टिविटी 37 डिग्री पे, ठीक है, ये 37 होगा। इसके बाद एक्टिविटी कम होना शुरू हो गई, होते 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 बिल्कुल एंजाइम इनएक्टिवेट हो गया 60 पे आके, ठीक है, और जब ये 100 तक अगर जाएगा तो डीनेचर हो जाएगा, और वो यहाँ जा रहे शो नहीं कर सकते, मगर ये बात आपको बतानी चाहिए। तो ये बात थी हमारे हमारे पास टेम्परेचर की। अब हम पीएच का देख लेते हैं। मैं आपको पीएच को पहले समझा देता हूँ, फिर हम पीएच का यहाँ आके देख लेंगे। पीएच की ये बात है कि हमें पहले पीएच पता होना चाहिए कि पीएच होती क्या है, ठीक है, पीएच होती क्या है हमें पहले ये पता होना चाहिए। पीएच जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन को हम पीएच कहते हैं, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन को हम क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। हाइड्रोजन आयन अगर ज़्यादा होंगे, ठीक है, तो पीएच क्या होगी, कम, कम पीएच होगी, और ऐसे ही अगर हाइड्रोजन आयन कम होंगे तो पीएच क्या हो जाएगी, ज़्यादा। अब ज़्यादा कम से क्या मतलब है, एक पीएच स्केल होता है, ठीक है, 1 से 14 तक, 7 इसके बीच पॉइंट है, बीच में बिल्कुल सेंटर में, 7 जो है न्यूट्रल है, और 1 से 7 तक सारा क्या है, एसिडिक है, और 7 से 14 तक सारा क्या है, बेसिक है, ठीक है। हम 7 से जितना 1 के करीब जाते जाएंगे उतना एसिडिक ज़्यादा होता जाएगा, मतलब 1 जो है वो 1 पीएच ज़्यादा एसिडिक है, 2 उससे कम है, 3 उससे कम है, ऐसे। और 7 से आगे हम 14 के जितना करीब होते जाएंगे उतना ज़्यादा बेसिक होता जाएगा, मतलब क्या कि 10 कम बेसिक है, 11 ज़्यादा बेसिक है, ये बात, ठीक है, हमें ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। उसके बाद क्या है, एंजाइम का पीएच से क्या लेना देना है। एंजाइम जो है वो हर एंजाइम की अलग पीएच होती है, ह्यूमन बॉडी में भी हर एंजाइम की जो ऑप्टिमम पीएच है वो अलग है, वो बहुत नैरो रेंज है, एक रेंज होती है, जैसे नैरो रेंज में काम करते हैं, ठीक है, जैसे पेप्सिन की 1.5 to 2.5 है, ये ऑप्टिमम पीएच है, ये एक रेंज दी हुई है, ठीक है, मगर ये बहुत नैरो है, क्योंकि सिर्फ वन एक एक पीएच का फ़र्क आ रहा है बीच में, ये बात। और दूसरा है कि हर एंजाइम की अलग होगी, मगर अब प्रॉब्लम यह है कि पीएच हम बढ़ा दें तो क्या होगा, पीएच बढ़ा दें तो मसला ये होता है कि एंजाइम जो है वो आयनाइज होना शुरू हो जाता है, मतलब क्या, मिसाल के तौर पर मैं आपको वैसे समझाने के लिए आयनाइजेशन क्या होती है, ये वाटर है, अगर वाटर में हम H+ ऐड कर दें, ठीक
ठीक है, वाटर में एच प्लस ऐड हो जाए तो ये H3O+ हो जाएगा, ठीक है। एक एक एच ऐड हो गया, H2 था पहले, तो H3O+ हो गया। तो H2 का फंक्शन था, वो H3O+ फंक्शन नहीं परफॉर्म करेगा, ठीक है, दोनों के फंक्शन अलग हो गए। तो ऐसे आयनाइजेशन जब हो जाती है तो फंक्शन, पूरा स्ट्रक्चर ख़त्म हो जाता है, तो वो एंजाइम वैसा फंक्शन नहीं कर पाता। तो चेंज इन पीएच जो है, पीएच हम अगर चेंज करें, अगर मिसाल के तौर पे पेप्सिन की 1.5 टू 2.5 है, हम इसको 6 कर दें, तो इसके जो पेप्सिन के अमाइनो एसिड से, जिस जिन अमाइनो एसिड से बना है, उनकी क्या हो जाएगी, आयनाइजेशन हो जाएगी और वो इनएक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो अब आपके बुक में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। अच्छा, पीएच क्या लिखा है, पीएच में मार्क पीएच होती है हर एंजाइम की, ऑप्टिमम पीएच, ठीक है, हर एंजाइम की अलग होगी ये बात। उसके बाद बहुत नैरो रेंज में, नैरो रेंज होती है, ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद क्या होता है कि जब पीएच चेंज हो जाए तो वो क्या करते हैं, आयनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड कर देते हैं, आयनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड, मैंने ये भी आपको एक्सप्लेन कर दिया, जिससे क्या हो जाएगा, अमाइनो एसिड जो है इनएक्टिव हो जाएंगे, एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा। ह्यूमन डाइजेस्टिव एंजाइम की यूजली 7 to 8 pH होती है, उसमें एक्सेप्शन एक पेप्सिन आ जाता है जो कि एसिडिक पीएच में काम करता है, 1.5 to 2.5 इसकी रेंज है, और एग्जैक्ट अगर आप पूछें तो 1.4 है, ये 1.4 वाली वैल्यू जो है एमसीक्यू में आप कई बार आ जाती है। उसके बाद जो अमाइलेज है हमारा, वो 8.5 pH पे काम करता है। तो आपको ये कुछ वैल्यूज पता होनी चाहिए, ये एमसीक्यू में आ सकती है, ये ग्राफ से भी आपको पता होना चाहिए। उन्होंने पेप्सिन को एक्सप्लेन किया, ठीक है, पेप्सिन का 1.4 हम देख चुके हैं, उसके बाद अमाइलेज को उन्होंने एक्सप्लेन किया, 8.5 है इसकी ऑप्टिमम पीएच, नहीं वो पेंक्रियाटिक अमाइलेज है, ठीक है, ऑन द अदर हैंड अमाइलेज इज एंजाइम, या यस, ये पेंक्रियाटिक अमाइलेज इसकी 8.5 है। ये दूसरा अमाइलेज जो है स्लाइवरी अमाइलेज, हमारे पास दो होते हैं, पेंक्रियाज में होता है और दूसरा स्लाइवा में होता है, आपकी ये डाइजेशन में आएगा। दोनों का काम फंक्शन सेम है, मगर थोड़ा सा स्लाइटली, इन्होंने देखें यहाँ पर 8.5 नहीं है, ये अराउंड 6 शो किया हुआ है, ठीक है, 6.5 होगा, तो अराउंड 6.5 है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पेंक्रियाटिक अमाइलेज और स्लाइवरी अमाइलेज के थोड़ा सा फर्क है पीएच, ऑप्टिमम पीएच में। उसके बाद अल्कलाइन फॉस्फेटेज है, इसकी अराउंड 9.5 है। तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं आपको पता होनी चाहिए, और सलाइवरी अमाइलेज और पैंक्रियाटिक अमाइलेज में थोड़ा सा फ़र्क है, ये भी आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है। उसके बाद एंजाइम कंसंट्रेशन और सब्सट्रेट कंसंट्रेशन, इसको बुक से समझना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि वर्डिंग वैसी नहीं लिखी हुई कि अच्छा एक्सप्लेन हो जाए, मगर मैं आपको वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद बुक में एक बार देख लेंगे। अच्छा, पहले जो है वो हम एंजाइम कंसंट्रेशन को देखते हैं कि एंजाइम कंसंट्रेशन क्या है। अच्छा, अगर एंजाइम कंसंट्रेशन को हम समझें तो हमें पहले तो ये बताना चाहिए कि एंजाइम जो है, एंजाइम कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ रिएक्शन के, ठीक है, ये एक बात है। मगर इसमें एक हम कंडीशन लगा देंगे, कंडीशन क्या है कि हमारे पास सब्सट्रेट जो है वो अनलिमिटेड हो, मतलब एंजाइम से जो बाइंड करने वाला सब्सट्रेट है वो अनलिमिटेड हो, तो वो तो ये कंडीशन सही है कि एंजाइम कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, अगर सब्सट्रेट अनलिमिटेड है, ठीक है, हमारे पास सब्सट्रेट अनलिमिटेड है, तो एंजाइम अगर एक होगा तो एक सब्सट्रेट आके बाइंड कर जाएगा, अगर 1000 होंगे तो 1000 सब्सट्रेट आके बाइंड कर जाएंगे। तो जितने एंजाइम बढ़ते जाएंगे उतने जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ते जाएंगे, बहुत सिंपल है। पर मसला है कि अनलिमिटेड सब्सट्रेट कभी हो नहीं सकता, क्योंकि बॉडी एक बहुत ज़्यादा प्रॉपर हमारी जो है वो फंक्शनिंग है, और बहुत ज़्यादा एक क्या क्या कह सकते हैं उसको, पैटर्न पैटर्न बहुत प्रॉपर पैटर्न में चलती है हमारी बॉडी, हर चीज़ को रेगुलेट करती है, तो उसमें कुछ चीज़, कोई चीज़ अनलिमिटेड नहीं हो सकती। तो ये जो है वो लिमिटेड होगा, जब लिमिटेड होगा ये, तो एंजाइम एक्टिविटी जो है वो एक हद तक जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। कैसे, अब मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर सब्सट्रेट हमारे पास 10 है, 10 सब्सट्रेट्स हैं, ठीक है, उसको अगर हमारा, उसके बाद हमारे पास एंजाइम एक है, ठीक है, तो पहला सब्सट्रेट आके इससे बाइंड कर जाएगा, तो एंजाइम बढ़ते 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 जब 10वां एंजाइम आएगा तो 10वां सब्सट्रेट आके बाइंड कर जाएगा। उसके बाद अगर 11वां एंजाइम आ रहा है तो अब सब्सट्रेट नहीं है, तो अब कोई रेट ऑफ रिएक्शन में फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि कोई बाइंड करने वाला ही नहीं है। तो 11 के बाद बेशक 1000 एंजाइम आ जाएं तो अब नहीं फ़र्क पड़ने वाला, क्यों, क्योंकि अब कोई इससे एंजाइम से बाइंड करने वाला नहीं है। तो हमें ये पता चला कि एंजाइम एक्टिविटी जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, मगर एक लिमिट तक। वो लिमिट क्या है कि सब्सट्रेट की एक लिमिट है, उस हद तक होगा, और जब ये दोनों बैलेंस आउट हो जाएंगे तो उसके बाद जो है वो एंजाइम एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कॉन्स्टेंट हो जाएगी। बुक में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। एंजाइम कंसंट्रेशन में यही बात मेंशन है, देखें, द एंजाइम एक्टिविटी डिपेंड अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सट्रेट एंजाइम मॉलिक्यूल, ठीक है, इफ द सब्सट्रेट टू, यहाँ पर हम कोई वर्ड मिसिंग है, सब्सट्रेट टू एंजाइम कंसंट्रेशन में भी हो इज़ वेरी हाई, द एंजाइम कंसंट्रेशन, ठीक है, सब्सट्रेट टू एंजाइम कंसंट्रेशन इज़ वेरी हाई, मैंने आपको वही बताया कि सब्सट्रेट अगर लिमिट अनलिमिटेड हो जाए तो वही बात उन्होंने की है, सब्सट्रेट टू एंजाइम कंसंट्रेशन वेरी हाई,
सब्सट्रेट को अनलिमिटेड लेना है। बेशक अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये सब्सट्रेट अनलिमिटेड है, तो एंजाइम कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, ठीक है। बट इन रियल असल में क्या होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट जो है लिमिटेड होती है, ठीक है। मैंने आपको बताया बॉडी में अनलिमिटेड कोई चीज़ नहीं हो सकती, तो द एंजाइम एक्टिविटी जो है वो इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन एंजाइम कंसंट्रेशन, ठीक है, इनिशियली, बट आफ्टर सम टाइम इट रिमेन कॉन्स्टेंट। तो ये वही बात है जो मैंने आपको एक्सप्लेन की, बस वर्डिंग थोड़ी आगे पीछे है, कि अगर सब्सट्रेट कंसंट्रेशन अनलिमिटेड है तो एंजाइम जितना भी बढ़ता जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा, मगर ऐसा हो नहीं सकता। तो इसलिए एक हद तक जो है वो एंजाइम बढ़ने तक जो है वो एंजाइम एक्टिविटी बढ़ती है, उसके बाद जब दोनों बैलेंस आउट हो जाएं, सारे सब्सट्रेट सारे एंजाइम से बाइंड कर जाएं, तो उसके बाद कोई एक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। तो ये बात है, बस आप इसको अगर ये वर्डिंग नहीं समझ आ रही तो आप एटलीस्ट इतना समझ लें। उसके बाद ग्राफ से इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, क्या एक्सप्लेन किया हुआ है, देखिए कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ी है इनिशियली, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, और उसके बाद जब दोनों दोनों एंजाइम और सब्सट्रेट जो है बैलेंस आउट हो रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्स्टेंट हो रहा है। तो ये बात है। उसके बाद सब्सट्रेट कंसंट्रेशन में भी थोड़ा वर्डिंग ऐसी ही है, मैं आपको पहले समझा देता हूँ वहाँ पर, उसके बाद फिर हम देख लेंगे बुक में क्या लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें भी यही बात है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सब्सट्रेट कंसंट्रेशन के। रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सब्सट्रेट कंसंट्रेशन के, ठीक है, मगर ये लो सब्सट्रेट कंसंट्रेशन के, ठीक है। सब्सट्रेट कंसंट्रेशन जब लो हो, इसमें भी कंडीशन ये है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मगर जब सब्सट्रेट कंसंट्रेशन लो है, वह जब सब्सट्रेट कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, तो रेट बैलेंस हो जाएगा। क्यों? इसलिए क्योंकि इसको मैं आपके वैसे ही एग्जाम्पल से समझाऊंगा, जैसे मिसाल के तौर पर अगर सब्सट्रेट है हमारे पास 10 सब्सट्रेट है, ठीक है, और एंजाइम हमारे पास जो है वो, मिसाल के तौर पर एंजाइम जो है हमारे पास एक है फिलहाल, तो पहले सब्सट्रेट बाइंड कर जाएगा, अगर एंजाइम दो हो गए तो दूसरा सब्सट्रेट बाइंड कर जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करते करते हमारे पास अगर मिसाल के तौर पर 5 एंजाइम है बॉडी में सिर्फ, तो 5 सब्सट्रेट बाइंड कर जाएंगे, मगर अब जो रिमेनिंग 5 सब्सट्रेट हैं वो बाइंड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न ये है कि सारे एंजाइम जो है सेचुरेट हो चुके हैं, अब कोई एंजाइम मौजूद नहीं है कि वो सेचुरेट को बाइंड कर सके। तो हम ये सेचुरेट का वर्ड आपको बुक में भी यूज़ हुआ हुआ है, तो जो रिमेनिंग 5 हैं वो बेशक, अब जो अब 5 तो बाइंड हो गया, अब 5 बचे, अब ये 5 जो रिमेनिंग है बेशक ये 1000 हो जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ सकता, क्योंकि अभी एंजाइम ही अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो लो कंसंट्रेशन पे, सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन अगर लो हो तो लो कंसंट्रेशन पे तो इतने एंजाइम तो मौजूद होते हैं कि वो सब्सट्रेट को बाइंड कर लें, मगर सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन जब ज़्यादा हो जाए तो जाहिर है एंजाइम जो है कम पड़ जाएंगे, तो फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसी कुछ बातें हैं, वर्डिंग थोड़ी सी अलग है, आप बुक में देख लेते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट इन अ कंडीशन वे एंजाइम कंसंट्रेशन रिमेन कॉन्स्टेंट, ठीक है। एंजाइम कंसंट्रेशन रिमेन कॉन्स्टेंट का मतलब यहाँ पर यह है कि एंजाइम जो है वो ज़्यादा हो, आप ऐसे कह सकते हैं एंजाइम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है उस कंडीशन में। दिस इंक्रीज रिमेन कंटिन्यू अंटिल द अवेलेबल एंजाइम बिकम सेचुरेटेड, ठीक है। ये वही बात है कि जब बढ़ती रहेगी जब तक एंजाइम अवेलेबल है। मैंने आपको 10 और 5 वाली एग्जाम्पल दी, तो अगर 5 एंजाइम है तो 5 सब्सट्रेट को बाइंड कर लेंगे, उसके बाद जितने भी सब्सट्रेट आ जाएँ अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो सेचुरेट हो जाएंगे विद द सब्सट्रेट, देर विल बी नो इंक्रीज इन द एंजाइम एक्टिविटी टू अ हाई लेवल ऑफ सब्सट्रेट कंसंट्रेशन। आप इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो मैंने आपको लो लेवल ऑफ सब्सट्रेट कंसंट्रेशन और हाई लेवल पर समझाया, कि लो लेवल पर क्या होगा एंजाइम एक्टिविटी, सब्सट्रेट कंसंट्रेशन जो है वो लो हो तो सब्सट्रेट का रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्ट रिलेशन है, मगर जब सब्सट्रेट कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो उसके बाद वो जो है वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि एंजाइम सेचुरेट हो चुके हैं। तो ये बातें आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, बुक में थोड़ी सी वर्डिंग ऐसी है कि आपको समझना मुश्किल हो। अच्छा, उसके बाद दो चीज़ें हैं जो कि एंजाइम को जो है वो रिटार्डिंग इफेक्ट आ रहा होता है, जिनकी वजह से एट वेरी हाई सब्सट्रेट कंसंट्रेशन सब्सट्रेट एग्जर्ट अ रिटार्डिंग इफेक्ट ऑन एंजाइम, मतलब एंजाइम को इनहिबिट कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा जब हाई लेवल ऑफ सब्सट्रेट हो जाए तो। वो उसकी दो वजह है, क्या वजह है, एक तो हाई क्वांटिटी ऑफ सब्सट्रेट, एक तो सब्सट्रेट बहुत ज़्यादा हो जाए, जैसे मिसाल के तौर पर 100 सब्सट्रेट मॉलिक्यूल हैं और एंजाइम 5 ही हैं, ठीक है, 5 ही एंजाइम है, तो जो 5 तो बाइंड हो जाएंगे, तो 95 सब्सट्रेट हैं, बहुत ज़्यादा हैं, ये एंजाइम को इनहिबिट करने लग जाएंगे। अच्छा, उसके बाद एकुमुलेशन एंड प्रोडक्ट, मतलब क्या कि हमारे पास रिएक्शन हो गया, बहुत सारे एंड प्रोडक्ट जमा हो गए हमारे पास ना, हज़ारों प्रोडक्ट जमा हो गए, अभी यूज़ नहीं हो सके अब तक, ये बाद में यूज़ होंगे, अब तक यूज़ नहीं हो सके, तो ये जो अकोमलेट हो रहे हैं, ठीक है, ये एंजाइम को फिलहाल इनहिबिट कर रहे हैं कि अभी और जो है रिएक्शन नहीं करो, जब ये यूज़ हो जाएंगे तब रिएक्शन जो है कंटिन्यू करें, तो ये एंड प्रोडक्ट जो अकोमलेट हो जाता है, तो इसकी वजह से भी एंजाइम पे रिटार्डिंग इफेक्ट आता है। तो आगे ये मेंशन, इट मींस दैट सब्सट्रेट एंजाइम कंसंट्रेशन, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है अ सर्टेन वेलोसिटी, ठीक है, एक हद तक है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसके बाद फर्दर इंक्रीज में कोई जो है वो रिएक्शन पे फर्क नहीं आता, वो कांस्टेंट हो जाता है। तो ग्राफ में देख लेते हैं कैसे, क्या मेंशन है, क्या बात एक्सप्लेन की हुई है। देखें ग्राफ में भी ये एक्सप्लेन है कि सब्सट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ रही है,
एक हद तक, फिर जहाँ पर आके ये जो मार्क हुआ है यहाँ पर एंजाइम फुली सेचुरेट हो चुका है, अब इसके आगे जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्स्टेंट हो रहा है।